हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि LG के टॉप लोड वॉशिंग मशीन में प्रेशर सेंसर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहता है आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि प्रेशर सेंसर खराब है या PCB खराब है, ये फाइंड नहीं कर पाते और लास्ट में दोनों सामान को चेंज कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि PCB खराब है या प्रेशर सेंसर खराब है, उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रेशर सेंसर का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए सबसे पहले क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी पे रखेंगे और बीच वाला पिन छोड़ के दोनों किनारे वाले पिन पे चेक करेंगे। 21 से 24 ओम्स इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब देख सकते हैं 23.8 ओम्स आ रहा, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस ठीक है। अब आता है इसका पावर सप्लाई, इसका जो PCB से इसको सप्लाई मिल रहा वो कितना मिल रहा वो चेक करेंगे। तो बीच वाले पिन से दोनों साइड वाले पिन पे चेक करेंगे बारी बारी से। तो DC 2 से 4 वोल्ट आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं DC 2 से 4 वोल्ट दोनों पिन पे मिल रहा है। ठीक है, अभी सामने प्रेशर सेंसर का रेजिस्टेंस भी चेक कर लिए और PCB से जितना सप्लाई मिलना चाहिए वो भी इसको सही मिल रहा, फिर भी इसका प्रेशर सेंसर का एरर आ रहा। तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे प्रेशर सेंसर का फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए वॉशिंग मशीन को टेस्ट रन मोड पे स्टार्ट करना होगा। तो टेस्ट मोड स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस बटन और स्टार्ट पुश बटन और पावर बटन को एक साथ दबाएंगे तो वॉशिंग मशीन हमारा टेस्ट मोड पे स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले टेस्ट मोड पे स्टार्ट करते हैं इसको। तो वॉशिंग मशीन हमारा टेस्ट मोड पे स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं T1 डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा आपको, तो हम लोगों को T3 पे जाना है। T2 पे आ गया, उसके बाद T3। ये प्रेशर सेंसर का फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कभी भी 69 से ऊपर होना चाहिए। आप इसमें देख सकते हैं इसमें 66 आ रहा है। तो अभी हम प्रेशर सेंसर को चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो प्रेशर सेंसर को हम लोग चेंज कर चुके हैं और अभी इसका फिर से फ्रीक्वेंसी हम लोग चेक करेंगे कि फ्रीक्वेंसी अब नए वाले प्रेशर सेंसर पे कितना आता है। टेस्ट मोड पे स्टार्ट हो चुका है T3, T2 आ गया, T3। आप देख सकते हैं इसका जो फ्रीक्वेंसी है 70 आ रहा, तो ऑलमोस्ट ये ठीक है। अब इसका चेक करेंगे रेजिस्टेंस और PCB से फिर इसको कितना सप्लाई मिल रहा वो चेक करेंगे। तो पिन को निकाल लेते हैं और इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो बीच वाला पिन को छोड़ देंगे और दोनों साइड वाले पिन पे इसका रेजिस्टेंस हम लोग चेक करेंगे। 21 से 24 ओम्स होना चाहिए। देख सकते हैं, उसके बाद बीच वाले पिन से दोनों साइड वाले पिन पे चेक करेंगे कि पावर सप्लाई कितना आ रहा PCB से। चार वोल्ट, दूसरे साइड चेक करते हैं, इधर भी चार वोल्ट। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि PCB खराब है या प्रेशर सेंसर खराब है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें।